धर्मशाला में चल रहे प्रदेश भाजपा की 3 दिवसीय चुनावी बैठक में चुनावी टिप्स देने के बाद बिलासपुर स्थित अपने घर विजयपुर पहुंचे जेपी नड्डा ने जहां अपने पिता एनएल नड्डा का हाल जाना तो वहीं उनके स्वस्थ रहने की कामना भी की है, जिसके बाद जेपी नड्डा ने अपने आवास पर स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। वहीं जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जीत और ममता की करारी हार का दावा भी किया है। जेपी नड्डा का कहना है कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को समर्थन देने का मन बना लिया है और इस बार बंगाल 200 पार का बीजेपी का सपना जरूर साकार होगा। उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि इसके लिए जहां उन्होंने बंगाल का 3 बार दौरा किया है तो वहीं 2 दिन बाद फिर वे बंगाल दौरे पर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उससे साफ होता है कि बंगाल की जनता अब भ्रष्टाचार व अराजकता बात से मुक्ति पाकर बीजेपी को चुनना चाहती है और बंगाल की संस्कृति की रक्षा करने व सुनार बंगाल बनाने का संकल्प बीजेपी ने लिया है और उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आने वाले चुनाव में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 200 पार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन वहाँ बंगाल की जनता देने को आतुर है। ममता जी की पाँव के नीचे से धरती खिसक चुकी है, लोगों ने तय कर लिया है कि ममता जी की सरकार टीएमसी की सरकार को गिराना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। भ्रष्टाचार से लोग वहाँ त्रस्त हैं, अराजकतावाद से लोग त्रस्त हैं और जिस तरीके से कट मनी, टोलाबाजी, तुष्टिकरण की राजनीति बंगाल में हुई है उससे लोग त्रस्त हैं और निजात पाना चाहते हैं। और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है और मैं बंगाल 3 बार भी होके आया हूँ, 2 दिन बाद फिर जाने वाला हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा है, उनकी जनसभाएं हैं, बहुत भीड़ उभर रही है उनके सभाओं में, जो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा बंगाल की जनता ने फैसला कर लिया है। जो बंगाल की संस्कृति का विषय है, उसकी रक्षा का विषय है और बंगाल सोनार बंगाल बने इसके लिए हम कृत संकल्प हैं, संकल्पित हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और वहाँ का नेतृत्व इस काम में आगे बढ़ा है। तमिलनाडु में हमारी सरकार एआईडीएमके के साथ हमारा समझौता है और एआईडीएमके के साथ हम वहाँ सरकार बना रहे हैं। केरल में हम बहुत अच्छा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। पुडुचेरी में हम सरकार बनाएंगे। अच्छा जी।